dear students let us know about uh, infinitive it is non finite verb so first uh, before uh, uh, to know infinitive uh, we should know about types of verb so there are uh, two types of verb mainly verbs uh, are placed under two categories uh, first is finite verbs and second is non finite verbs वी ऑल्सो नो देट ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट वाइल इन ट्रांजिटिव ड्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है इन ट्रांजिटिव वर्ड नहीं लेता है और फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब क्या है अब फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाई द पर्सन एंड नंबर जो वर्ब एंड सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लोल का रूप धारण कर ले इसका मतलब जो है फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो uh, अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट uh, सिंगुलर um, में है और तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल होगा इसके अनुसार जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब के अनुसार आता है एग्जांपल देखेंगे राम प्लेज राम इज इन सिंगुलर सो हियर इज वर्ब इज सिंगुलर एंड मोहन एंड मीना बिकॉज ऑफ कंजेक्शन एंड एडेड सो इट इज इन प्लूलर सो वर विज ऑल्सो प्लूरल So, uh, ये सभी चेंज होते रहते हैं फाइनाइट में वर्ब के सब्जेक्ट uh, के अनुसार नंबर और पर्सन uh, के अनुसार वर्ब भी चेंज होता रहता है तो फाइनाइट वर्ब में अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्क नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है ये अपना एक ही जैसे ट्रीट करते हैं पूरे सब जगह कहीं भी फिट कर दो इसको इनके कोई भेदभाव नहीं होता तो नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है And there are three types of non-finite or And these verbs are non-finite verbs three First one is infinitive, and second one is zero and third one is participants. So third one is participant. So um, let us know about uh, these. So first is infinitive. So how it is configured? How it is constructed? Um, the first V one. पहले वर्ब लेंगे बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ड और उसके पहले टू ऐड करेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा ठीक है और जीरन कैसे बनता है बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब में आई फॉर्म जोड़ देंगे या वी फोर जिसको कहते हैं एक की एनजी फॉर्म को उसको कहते हैं उसको यूज़ से जीरन बनता है एंड दीज टू बहुत इन्फिनेटिव एंड जीरन फंक्शन एज नाउन ट्रेटेज एंड नाउन ये दोनों नाउन की तरीके से काम करते हैं जैसे हमें एक नाउन पढ़ा है कि नाउन कभी सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करता है कभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ दी सेंटेंस के अनुसार काम करता है नाउन ऐसे सेम वे दीज इन्फिनेटिव एंड जीरन वर्क ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं ठीक है सेंटेंस में और ये कभी नंबर uh, और जेंडर के अनुसार बदलते नहीं हैं इन्फिनेटिवी जीरन फंक्शन एज नाउन

And smoking is injurious to health. Here, smoking uh, V1 plus ING or subject noun kithrikas kaam but it is zero. So, uh, smoking is zero, to smoke is infinitive. And how uh, smoking is configured? Uh, V1 plus ING are V4 treated as subject. So, uh, third one is participle. Let us know the part of third one, participle is three part so here uh, first one is present participle second is past participle and third one perfect participle so uh, no, uh, uh, we know uh, first uh, we know the uh, example of these three so first is present participle uh, v1 plus ing or v4 uh, one example is i saw drawing man so here drawing uh, is in present participle and uh, past participle so वी टू पास्ट फॉर्म ऑफ दर्ब अदरवाइज वी वन प्लस डी ई डी ई एन एन हम पास्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब में डी ई डी एन जोड़ करके बनाते हैं यहाँ एग्जांपल देखिए आई पिक दॉल फॉलन लीव्स फॉलन इन इज पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपेंट सो हाउ इट इज कॉन्फिगर्ड and here is a, um, having plus v3 third form of the verb plus having uh, it is made An example is uh, uh, having collected money i went to zoo having is added and collected collected is v3 so it is perfect participle so first uh, uh, we will discuss about infinitive 2 एंड इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम करता है जैसे नाउन कभी जो है सब्जेक्ट की तरह और काम करता है तो कभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है इसके अलावा ये भी कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस की तरह काम करता है तो पहला हम देखते हैं इन्फिनेटिव यूज एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक एग्जाम्पल है टू आर इज़ ह्यूमन एंड टू राइट इज ए गुड हैबिट टू आर टू आर इज सब्जेक्ट एंड इट इज़ इंफिनेटिव एंड टू राइट इज सब्जेक्ट And it is infinitive. And second one is infinitive use at object of the verb. Kaise object of the verb ka kaam People like to gossip. Uh, and the second one I want to accompany you. Two gossips is uh, object of the verb. And two companies is object of the verb. So it is also uh, infinitive but uh, treated as object of the verb. So third one is infinitive use at complement of the verb. हाउ इट इज सी हेयर एग्जाम्पल रमन पॉस्टिव इज टू प्लेपियानो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जिसके बगैर सेंटेंस कम्प्लीट नहीं होता रमन पॉस्टिव इज रमन का पॉजिटिव है क्या है आगे कम्प्लीट नहीं होता टू प्लेपियानो तो ये कॉम्प्लीमेंट का, का काम करता है एंड माई फ्रेंड मेड मी क्या hmm, बनाया मुझे टू फेस दिचुएसन सिचुएशन को फेस करने का सो दीज टू आज ट्रीटेज एज कॉम्प्लीमेंट

उट इज प्रिपोजिशन तो यहाँ जो है प्रिपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जा रहा है सो so इसके चार फंक्शन है एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट एज एब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन चार फंक्शन है इन्फिनेटिव के एंड हमें यह कन्फ्यूजन होता है कि टू एक प्रिपोजिशन की तरह काम करता है टू एक इन्फिनेटिव की के साथ भी लगता है तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल हमको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम देखते हैं यहाँ पर वी नो दैट प्रिपोजिशन सो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन आर ए प्रोनाउन नाउन आर सम अदर वर्ड इन ए सेंटेंस अदर वर्ड कैन बी ए नाउन अ वर्ब आर एन एडजेक्टिव सो हेयर वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट हियर टू इज प्रिपोजिशन एंड हेयर इज रिलेशन फ्रॉम आई एंड मार्केट एंड अनदर वन एग्जाम्पल यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू मार्केट सो टू गो इज हियर इन्फिनेटिव

कौन से वर्ब है लेट so, uh, uh, है लेकिन ये नहीं लगता है एक्सेप्शन है तो जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं सी सीधर लेट हिम टू गो टू नहीं लगाया लेट हिम टू गो एंड आई मेड हॉल टू लॉ टू इज एब्सेंट एंड थर्ड वन इज आई शाह यहाँ टू इज एब्सेंट फोर दन यू नीड नॉट टू शाउट so 2 is absent so um, uh, with these uh, verbs uh, uh, infinitive 2 is absent also it is treated as infinitive so thank you for watching my video and uh, in next uh, uh, session uh, we will